मॉर्निंग स्टैंड एमओटी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट टू। पार्ट वन में लेक्चर वन, लेक्चर टू, लेक्चर थ्री, जिसमें आप 300 क्वेश्चन आपका फाइनल हो गया है। और पार्ट टू में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमओटी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट बट एकदम छोटा 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 क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग है जिसमें आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा मिलेगा, एकदम इजी सा। सो 11th क्लास के लिए भी है और ये 12th क्लास में भी हेल्प करेगा, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। ये है लेक्चर नंबर टू। आप पहले फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे खूब अच्छे राइटिंग में, बेस्ट एकदम कॉपी, खूब अच्छा कॉपी, कलर्ड पेन यूज करके अपना एक नोट बनाना है आपको, हर लेक्चर के लिए नोट बनाना है, ठीक है। वो नोट आपका परमानेंट रहेगा, ठीक है। समझने के लिए वीडियो को दो बार, तीन बार, चार बार आप देख लीजिए, बट नोट आपको करना जरूरी है। जब आप चीज़ें लिखते हैं तो वो जो राइटिंग है वो आपके ब्रेन में स्कैन होना शुरू हो जाता है, चीज़ें आपका हाथ से आपके ब्रेन की तरफ जाता है। और जब लगता है, जब आप लगता है कि यहाँ चीज़ें बड़ा आसान है, तुरंत कर लेंगे, होता नहीं है। होता उन्हीं से है जो कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। रीड बट राइट मोर, प्रैक्टिस मोर, क्वेश्चन का खूब ज़्यादा प्रैक्टिस, चीज़ों को नोट करना। समझने के लिए तो दो बार तीन बार वीडियो देखिए, समझने के लिए तो आराम से आप वीडियो को खूब अच्छे से देख करके दो बार तीन बार में समझ सकते हैं, बट एक नोट आपके पास अपना होना चाहिए जो काफ़ी दिनों तक आपके साथ रहेगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप बड़े हो के डॉक्टर इंजीनियर बन के आप IAS का भी तैयारी करना चाहेंगे, और ये अगर साइंस सब्जेक्ट में आप IAS कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ये कॉपी, मेरा कॉपी आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए ये कॉपी एक साल के लिए नहीं है, ये कॉपी आपको 4 ईयर 5 ईयर के लिए, जब आप बीटेक कंप्लीट भी कर जाएंगे तब भी ये काम करेगा। हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो एक बेस्ट टीचर बनना है, आपकी हॉबी हो कि हाँ मुझे टीचिंग करना है, मुझे भी खूब अच्छा मतलब बेस्ट टीचिंग करना है, मनी भी है, स्टेटस भी है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी है। हॉबी हो तो ऐसे नहीं, आपकी हॉबी हो तो, आपको हॉबी आता है कि हॉबी है कि मुझे मज़ा आता है पढ़ने में, पढ़ाने में, ठीक है, एक दूसरे लोगों से बात करने में मज़ा आता है, तो आपका ये कॉपी खूब हेल्प करेगा। आपको नोट जरूर करना है, आपको नोट खूब अच्छा से बनाना है, और नोट ऐसा कॉपी में बनाना है कि वो कॉपी रहे, 10 साल तक रहे आपके पास, आपकी अपनी जब लाइब्रेरी हो तो वो कॉपी आपके पास सेफ रहे, कभी भी 10 साल बाद खोले तो चीज़ें एकदम स्कैन करें साफ दिखने लगे, अरे मैंने ये चीज़ें पढ़ा हुआ था। तो ऐसा कॉपी रखना है, लूज शीट नहीं, रफ नहीं, एकदम ऐसा बढ़िया कॉपी रखिए कि एकदम वो रखा रहे लाइब्रेरी में, तो 10 साल तक, 20 साल तक चले कॉपी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लेक्चर वन कंप्लीट कर दिया है जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे बॉन्ड ऑर्डर फॉर डाईएटॉमिक आयन या मॉलिक्यूल, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयन्स। ये बॉन्ड ऑर्डर आप कंप्लीट कर लेंगे आज, लेक्चर वन लेक्चर टू फाइनल कर लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस कराना सिखा दूंगा मैं, कैसे क्वेश्चन आता है एम्स में, आईटी मेन, आईटी एडवांस में, वो चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो आज बॉन्ड ऑर्डर आप एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा जो भी मैं सिखाऊंगा लेक्चर वन लेक्चर टू। स्टार्ट करिए। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ये नया है। डायटॉमिक के लिए एमओडी का हेल्प लेकर मैंने बना दिया, ये पॉलीएटॉमिक है, नया है, और एग्जाम में सब मिक्स किया जाता है, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, बॉन्डिंग, 10th क्लास सबको मिक्स करेगा, फिर क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो पॉलीएटॉमिक में एक कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस, नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आप, रेजोनेंस जो होता है बट काफी यूज होता है ऑर्गेनिक में। नंबर वन फर्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे रेजोनेंस, डिफिनेशन बड़ा आसान है, रेजोनेंस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस, सिंपल सा एकदम छोटा सा लॉ है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनिक में भी यूज होगा, इनऑर्गेनिक में भी यूज होता है, 11th क्लास में भी और 12th क्लास में, बड़ा सिंपल है, मैं दिखा देता हूँ आपको। डीलोकलाइज मोशन, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे सिंपल आप बात करेंगे, मान लीजिए ऐसे बॉन्ड है, ये एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, आप जानते हैं जैसे ये डबल बॉन्ड हो,
डबल बॉन्ड हुआ। तो डबल बॉन्ड में आपको पता है कि ये एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है और ये सिग्मा बॉन्ड है। ये चीज़ें पढ़ा हुआ, ये कोई नया नहीं है, कोई नया नहीं है आपका, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड, वो आप पढ़ चुके हैं हाइब्रिडेशन में। और रेजोनेंस इसको बोलते हैं साइंस में, ये रेजोनेंस में हम लोग डबल एरो, ऐसे डबल एरो, ऐसे एक एरो इधर एक एरो इधर बोलते हैं। और डीलोकलाइजेशन, ये पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करता है, लेफ्ट राइट घूमते रहता है। तो ये पाई बॉन्ड जो इधर से इधर घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड देखिए यहाँ चला गया, ये है सिग्मा और ये है सिग्मा और पाई। तो ये जो डीलोकलाइजेशन है, जो लेफ्ट राइट जो मोशन है पाई बॉन्ड का, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं, इसी को डबल एरो से लिखते हैं और यही साइंस का रेजोनेंस कहलाता है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई का जो इलेक्ट्रॉन है या पाई बॉन्ड है वो मूव कर रहा है लेफ्ट राइट, यही रेजोनेंस हुआ। और रेजोनेटिक फिगर में बॉन्ड ऑर्डर, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर 4 रेजोनेंस, इसको बनाने का तरीका है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप नोट करेंगे। मैं समझाता हूं कि रेजोनेटिंग फिगर कैसे बनाना है, वो मैं डिस्कस करूंगा। सो ये एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया, ये आप समझ के भी बना सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फिगर कुछ मैं बता दूंगा, कुछ आप अपने नॉलेज से भी बना सकते हैं, फिगर बनाने के लिए आप अपना नॉलेज भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, ओजोन, ओजोन ये मैं एक समझा दे रहा हूं आपका। ओजोन एक पोलियोटॉमिक हो गया, डायटॉमिक रहता तो तुरंत बन जाता, बट ये है पोलियोटॉमिक है, पोलियोटॉमिक है। और जो पोलियोटॉमिक होता है, ठीक है, उसका बनाने का तरीका है रेजोनेंस के हेल्प से। मैं समझाता हूं, जैसे ओजोन का फिगर ऐसे होता है, देखिए ओजोन का मुझे एक फिगर बनाने दीजिए ऐसा, ये है ओजोन, ऐसा ऐसा होता है, एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ओजोन ये हुआ, तो ये बॉन्ड को आप सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, इस बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलेंगे। और जब भी पाई बॉन्ड होगा रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस कितने रेजोनेंस, तो 2 रेजोनेंस, सिंपल सा ऐसे बना देना है ओ, और यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा और पाई बॉन्ड डिलोकलाइज कर जाएगा, उधर चला जाएगा। ये फिगर हुआ। आप बोलेंगे कि इसके बारे में ऐसे बोलना है कि ये है 2 रेजोनेंस, ये ओनली 2 रेजोनेंस, ये है 2 रेजोनेंस, वाली 2 रेजोनेंस, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो फाइनल फिगर होता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है, चेक करेंगे, ऐसा हुआ ऑक्सीजन, ऐसा हुआ। और जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो आप बात कर रहे हैं कि ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज कर रहा है, वो कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट है राइट, डिलोकलाइज करते रहता है। तो पाई बॉन्ड को ऐसे डॉटेड करके देना है, डॉट 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 ऐसे करके बना दीजिएगा, आधा लेफ्ट साइड रहेगा आधा राइट साइड रहेगा, ऐसे ये है, ये पाई बॉन्ड हुआ, डिलोकलाइज किया, आधा 50% लेफ्ट साइड 50% राइट साइड, डिलोकलाइजेशन ऐसा हुआ। यहाँ से सीख सकते हैं कि अगर आप 50% लेफ्ट साइड 50% राइट साइड, तो वन बॉन्ड सॉलिड बॉन्ड है, एक बॉन्ड सॉलिड है, यहाँ भी एक बॉन्ड सॉलिड है, बट इसमें आधा, ये जो एक बॉन्ड है उसका आधा इधर आ गया आधा उधर चला गया। तो आप बोल सकते हैं 1+1/2, और इस तरह बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा 1.5। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ किसका, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ ओजोन, ऑफ ओजोन, ओजोन का ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ गया। ये समझ के कर सकते हैं कि ये है आपका 2 रेजोनेटिंग फिगर, रेजोनेंस होगा डिलोकलाइज करेगा, ओवरऑल फिगर फाइनल फिगर ऐसे होता है, आधा 50% लेफ्ट साइड 50% राइट साइड। तो 50% लेफ्ट साइड इसका जो डॉटेड हुआ, तो हाफ कर लीजिए, ये है फुल है, तो 1 1+ 1/2। नहीं तो आपको आपको ये फॉर्मूला यूज करना है बॉन्ड ऑर्डर,
बॉन्ड ऑर्डर तो ऐसे यूज कर लीजिए, मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल बॉन्ड कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, और डिवाइड बाई कितने, सिग्मा कितना है, तो बाई सिग्मा, सिग्मा है 2, 1.5। तो आपको याद करना है तो ये यूज कर लीजिए, नहीं तो समझना है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पोलियोटॉमिक का बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मेथड। ड्राइंग आना चाहिए, कुछ ड्राइंग मैं बता दूंगा, कुछ आप अपने से बना लीजिएगा। नेक्स्ट, थ्री CO3 टू माइनस, देखिए ये है कार्बोनेट है, इसका ड्राइंग आप अपने से बना सकते हैं। कैसे ड्राइंग अपने से बनाना है तो मैं रूल समझाया था, रूल हेल्प लेना है ऑक्सीडेशन नंबर और हेल्प लेना है हाइब्रिडेशन। अगर आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप कैलकुलेट करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कार्बन, कार्बन जो हो गया 4 और यहाँ पे 18, 20, 24 हुआ, और 8 से डिवाइड करेंगे, जैसे ही आप 8 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 3 और बॉन्ड पेयर आ गया, 3 बॉन्ड पेयर के चलते ये हाइब्रिडेशन sp2 हो गया, sp2 के चलते ये एग्जैक्टली प्लेनर, ये प्लेनर और ट्रायंगुलर हो जाएगा, समझिए प्लेनर ट्रायंगुलर हो गया, प्लेनर ट्रायंगुलर में एग्जैक्टली 120 डिग्री बनाते हुए कुछ ऐसा फिगर बनाना है, कार्बोनेट का फिगर कुछ ऐसा हो गया। रुक जाइए, वेट करिए, वेट करिए, फिगर आप अपने से बनाया आधा डालिए ना, आप बना सकते हैं अपने से फिगर। सो मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि इसमें हाइब्रिडेशन का हेल्प लेना है और ऑक्सीडेशन नंबर का हेल्प लेना है। यहाँ पे यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, इस कार्बोनेट में आप कैलकुलेट कर लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, कैलकुलेट करके देख लीजिए, यहाँ पे +4 आ रहा है, चेक करके देख लीजिए, आपका आपका +4 आ गया, इसका मतलब 4 बॉन्ड, +4 का मतलब 4 बॉन्ड्स बाई कार्बन, 1 कार्बन। ऐसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कहीं ब्राइट स्पॉट तो नहीं आ रहा है, नहीं तो लाइट बंद करना होगा मुझे। अब नहीं, आप कंटिन्यू रखिए ना, थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है। सो आपको बताया था हेल्प लेना है ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन नंबर का हेल्प लेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से आपको पता चल जाएगा कितना बॉन्ड बनाना है, हाइब्रिडेशन के हेल्प से पता चल जाएगा कि उसका शेप क्या है, बॉन्ड एंगल कैसा है, और अब आप ड्राइंग कर सकते हैं, अब आप ड्राइंग करने के लिए तैयार हो जाइए। कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन है, फिगर ऐसा है, बट कार्बन के 4 बॉन्ड होगा ऑक्सीडेशन नंबर से आपको, इसका मतलब श्योर कार्बोनेट आयन का फिगर अगर आप बनाएंगे, एकदम कंफर्म है कि कार्बोनेट आयन का फिगर ऐसे बनेगा, एकदम श्योर श्योर है कि ऐसे फिगर। जैसे फिगर ये बना, फिगर बनते ही आप बोलिएगा कि दिस कंपाउंड आयन सो 3 रेजोनेंस, 3 रेजोनेंस। क्वेश्चन है क्यों 3 रेजोनेंस, अपने से आप कर लेंगे, ये पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करेगा, 3 बार डिलोकलाइज करेगा, 3 बार कैसे, तो एक ऐसे डिलोकलाइज किया, फिर से डिलोकलाइज करेगा, फिर डिलोकलाइज करेगा, कुछ ऐसा 3 टाइम डिलोकलाइजेशन, ऐसे 3 बार डिलोकलाइज करना है, यहाँ पाई बॉन्ड, फिर घूम के यहाँ आ गया, फिर पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, यह है डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज कर रहा है, सो ये 3 रेजोनेंस बना, ठीक है। इसको आप ऐसे पूरा बना के बोलना है कि ये इस कंपाउंड के अंदर 3 रेजोनेंस होगी, और 3 रेजोनेंस के चलते ओवरऑल फिगर ऐसे, देखिए ओवरऑल फिगर बनाएंगे ऐसे, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और डॉट डॉट, यहाँ थोड़ा सा डॉट, हल्का सा डॉट, ऐसे हल्का सा यहाँ पे डॉट, ऐसे हल्का सा यहाँ पे डॉट, ऐसे पूरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर ऐसे कर देंगे 2 माइनस, ऐसे ऐसे बॉन्ड ऑर्डर साफ दिख रहा है कि ये पाई बॉन्ड जो है वो 3 लोग में बटा, पाई बॉन्ड 3 लोग में बचा, 1 लोग को कितना मिला, 1/3, 1 लोग को 1/3 मिल गया। तो देख के भी बना सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर ऐसे तो 1 सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन तो 1 है, और डॉटेड लाइन जो है 1 पाई बॉन्ड 3 लोग को मिला, एक इसको मिला, एक इसको मिला, इसको मिला, तो एक के पार्ट पड़ा 1/3, 1+1/3, सो बॉन्ड ऑर्डर है 1.33। ये तो ऐसे समझ के बना सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला तो है ही, फॉर्मूला तो आपको बता ही रहा है कि फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर जो है
टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल बॉन्ड, टोटल बॉन्ड है 4, आप देख लीजिए टोटल बॉन्ड 4, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और एक पाई है, टोटल बॉन्ड 4 और 3 है उसमें सिग्मा, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.33। ये है रिजल्ट। तो है कार्बोनेट एंड, कार्बोनेट एंड का ड्राइंग करने के लिए आप हाइब्रिडेशन का हेल्प लीजिए, देखिए sp2 प्लेनेट ट्रायंगुलर, ऑक्सीडेशन स्टेट का हेल्प लीजिए, उससे आप बना सकते हैं। ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का बनाने का ये तरीका है, याद करना हो तो ये, समझना हो तो ये मेथड, डिलोकलाइज करके बना लीजिए। नेक्स्ट, ऐसे 10 एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करना है रेजोनेटिंग फिगर में। बताइए PO4 3- ये फेमस फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। आप सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालिए, जल्दी से हाइब्रिडेशन निकालिए, तो मुझे दिख रहा है कि sp3 है, टेट्राहेड्रल है, 4 बॉन्ड पेयर है, सब दिख रहा है। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो फॉस्फोरस हुआ 5 और ये हुआ 24, अब प्लस 3 हो गया, ये हुआ आपका 32, 32 में 8 से डिवाइड कर देंगे, ये 4 बॉन्ड पेयर हुआ। 4 बॉन्ड पेयर के चलते एग्जैक्टली sp3, sp3 का मतलब ये टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कुछ ऐसे। टेट्राहेड्रल होने पे बॉन्ड एंगल हो गया 109 डिग्री और 28 मिनट, ये हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस करेंगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये प्लस 5 आ गया। प्लस 5 का मतलब 5 बॉन्ड, यहाँ पे 5 बॉन्ड फॉर्म बाय द फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा। फिगर बना लीजिए, देखिए। सो फिगर आप अपने से बना सकते हैं और फिगर ऐसे बनाएंगे, 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड में एक यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देंगे और 3 नेगेटिव है। तो फिगर आप, आपके पास इतना बहुत इंफॉर्मेशन है भाई, इतने इंफॉर्मेशन से आप ड्राइंग कर सकते हैं, ऐसे ड्राइंग कर लीजिए, ऐसे इतना इंफॉर्मेशन से आपका हाइब्रिडेशन मिल रहा है, sp3 है और यहाँ पे 5 बॉन्ड है और 3 नेगेटिव है, तो 5 बॉन्ड हो गया, 3 नेगेटिव। अब इसके रेजोनेंस करेंगे तो रेजोनेंस इस बार 4 रेजोनेंस आएगा, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड हुआ ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करते रहेगा, तो 4 रेजोनेंस बनेगा यहाँ पे, 4 रेजोनेंस। सो 1 2 3 4 रेजोनेंस, बॉन्ड ऑर्डर 1.25 दिख रहा है आपको, नहीं फिगर। पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करते रहिएगा, एक बार, दो, तीन, चार, हर जगह चेक करते रहिए, और 3-3 नेगेटिव है तो यहां पे है 4 रेजोनेंस। रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर जो है 4। हाँ फाइनली ओवरऑल बनाएंगे ऐसे, तो आपका फिगर बन गया ओ फॉस्फोरस, ओ फॉस्फोरस, ओ ऐसे, और यहाँ पे हो गया 3 नेगेटिव, ये फॉस्फेट है। डॉट डॉट करके बना लीजिएगा, डॉट डॉट ऐसे, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड थोड़ा सा डॉट कर लेंगे, यहाँ डॉट कर लेंगे, यहाँ डॉट कर लीजिए, यहाँ डॉट कर लीजिए, तो एक पाई बॉन्ड जो है, एक पाई बॉन्ड क्या है, 4 लोग में बटा है ना, एक पाई बॉन्ड 4 लोग में, तो एक लोग को मिला 1/4, तो 1.25। तो डायरेक्ट ऐसे समझ के भी बना सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर एक सॉलिड लाइन सबका है, अब प्लस एक बॉन्ड है 4 लोग में बटा है 1.25, ये है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। या फिर आप फॉर्मूला यूज करना है तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला जो है वो टोटल, टोटल बॉन्ड देख लीजिए 5, टोटल बॉन्ड है 5, उस 5 में से सिग्मा कितना, तो सिग्मा है आपका 4, क्योंकि ये सिग्मा होता है, एक सिग्मा, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो बाय 4
सिग्मा, आंसर वही आएगा 1.25। हो गया, नेक्स्ट। सेल ऑफ फोर माइनस, सेल ऑफ फोर माइनस जस्ट प्लान करिए अपने से, फिगर नहीं ना अपने से प्लान करिए। सेल ऑफ फोर माइनस को इसका नाम होता है पर क्लोरेट आयन, पर क्लोरेट आयन। सबसे पहले इसका हाइब्रिडेशन निकाल दीजिए, शेप पहचानिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, उससे नंबर ऑफ बॉन्ड पता चलेगा, एंड देन रेजोनेंस बनाना है। सो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको 7 हो गया और 24 हुआ, प्लस 1 हुआ, अगेन 32, 32 में 8 डिवाइड कर दीजिएगा, 8 डिवाइड करते ही यहाँ 4 हो गया, 4 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडेशन अगेन sp3, sp3 का मतलब ये टेट्राहेड्रल, ये भी फिगर है, ये है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल फिगर में 109 डिग्री 28 मिनट, तो इससे शेप पता चल जाता है और ऑक्सीडेशन नंबर से नंबर ऑफ बॉन्ड पता चल जाएगा। आप जोड़ लीजिए, जोड़ के देखिए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, तो ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शुरू से ही मैंने बताया कि हर टॉपिक में आता है ये। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 7 का मतलब 7 बॉन्ड, यहाँ से देखते समझ जाना है, 7 बॉन्ड्स फॉर्म बाय वन क्लोरीन, एक क्लोरीन 7 बॉन्ड बनाएगा, और 7 बॉन्ड बनाएगा तो जो जैसा लग रहा है मुझे, अगेन इसमें भी रेजोनेंस करेंगे तो वही आएगा, 4 रेजोनेंस ही मुझे लग रहा है और फिगर कुछ ऐसा होना चाहिए। 7 बॉन्ड बना रहा है तो क्लोरीन, और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ ऑक्सीजन और माइनस, और यहाँ पे 7 बॉन्ड में ये ऐसे कर देता हूँ। तो ड्राइंग धीरे धीरे अपने से आप बनाने का आदत डालिए, ये है, ये फिगर देख लीजिए आप, बाकी 4 रेजोनेंस इसमें भी रहेगा, 4 रेजोनेंस में आप ऐसे कर लेंगे, ऑक्सीजन को यहाँ भेज दीजिए, वही 4 रेजोनेंस, सो 1 2 3 4, और पाई बॉन्ड बार बार ऐसे घूमते रहेगा, इस तरह से घूमते रहेगा, तो आप कर लीजिए सीएल। ये सो चेक करेंगे आप इस पर नेगेटिव को घुमाते जाइए, 4 रेजोनेंस, 4 रेजोनेंस इसमें भी रहेगा, और अगर आप यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे सील करेंगे और यहाँ पे आप ड्राइंग करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे 1 माइनस है। बॉन्ड ऑर्डर करना है तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ऐसे प्लान करेंगे, एक सॉलिड है और पाई बॉन्ड कितना है आपके पास, पाई बॉन्ड आज 3 हो गया, 3 बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड को, ये 3 जो पाई बॉन्ड है बाकी सब सिग्मा है, 1.75 आ रहा है। 3 पाई बॉन्ड को 4 लोग में बांटना है, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड को 4 लोग में ऐसे घुमा के बांटना है, तो एक लोग को मिलेगा 3/4, हाँ 3/4, एक लोग को 3/4, तो 3 बॉन्ड को 4 लोग में बांटना है तो 1.75, और नहीं तो आप सिंपल ये फॉर्मूला यूज करिए ना, टोटल बॉन्ड है 7 और उसमें सिग्मा है 4, 7/4 1.75, देखिए वही है। तो यह रेजोनेंस के हेल्प से ये बॉन्डिंग बनाना सीखे कि ऑक्सीडेशन स्टेट हाइब्रिडेशन से शेप बन जाता है आपको, ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, आगे भी आ गया आएगा बॉन्डिंग में लेवी स्टॉट स्ट्रक्चर खूब सारा फिगर बता दूंगा, बट आप अपने से प्रैक्टिस करिए, अपने से आप बनाइए ना वो ज़्यादा बेटर होगा। एक और बनाइए तो अपने से करके देखिए, ClO3 मैंने कर लिया, पर क्लोरेट की जगह क्लोरेट कर दीजिए इसको,
ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ रहा है प्लस फाइव। बना के देखिए अपने से, बनाइए फाइव सेवन प्लस 18, यहाँ सब जोड़ रहा हूँ मैं, 18 प्लस 1 26, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। SP3 तो है बट टेट्रा हेडल की जगह पिरामिडल कर लीजिएगा। एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है तो हटा दीजिएगा, यहाँ पिरामिडल से ऐसा कर लीजिए। और फाइव बॉन्ड है तो फाइव बॉन्ड रहेगा तो आप फिगर ऐसे बना सकते हैं, ऐसे कर लीजिए। इस बार तीन ही रेजोनेंस रहेगा, थ्री रेजोनेंस कर लीजिए। फाइव बॉन्ड बनाना है तो फाइव बॉन्ड बनाने के लिए ये तरीका है, फाइव बॉन्ड बनाना है तो चेक कर लीजिए। एक लोन पेयर भी है, लोन पेयर कहीं दिखाना हो दिखा दीजिए, लोन पेयर ऐसे डिलोकलाइजेशन करना है, 1 2 3, इस बार थ्री रेजोनेंस है, ऐसे थ्री रेजोनेंस कर लीजिए। थ्री रेजोनेंस करने के बाद आप फिगर बनाएंगे, ऐसा हो जाएगा, अपने से बनाइए, ऑक्सीडेशन नंबर से शेप से आप फिगर बनाएंगे, इस टाइप का आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो टू टू डिवाइड बाई थ्री, टू को डिवाइड करना थ्री में तो 1.67। यहां से भी यूज कर सकते हैं, टोटल टोटल बॉन्ड है 5 डिवाइड बाई 3, 5। सो 1.67 करिए कंप्लीट, अपने से बनाइए सब चीजें। सो क्लोरीटाइन हो गया आपका, इसमें रेजोनेंस आपने कर लिया और बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अच्छा एक टर्न और सीखना आपको, जैसे क्लोरेट आयन समझिए, मान लीजिए क्लोरेट आयन मैंने ऐसे फिगर बनाया, ये क्लोरेट आयन है, ये क्लोरेट आयन हो गया। इसका फिगर मैंने ऐसे बना दिया, सील कर दिया और ओ हुआ और माइनस हुआ और डबल बॉन्ड ऐसे और डबल बॉन्ड इस तरह से, ये है क्लोरेट आयन। इसमें आपको ध्यान रखना है, इस तरह एग्जाम में आता है फिगर, फिगर जैसे आप फिगर बना लिए, बॉन्डिंग कर लीजिए और पूछा जाता है, देख के बताइए कि नंबर ऑफ, इस फिगर में देख करके बताइए, आइडेंटिकल नंबर ऑफ आइडेंटिकल क्लोरीन और ऑक्सीजन बॉन्ड चाहिए, कितने आइडेंटिकल क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड है, क्लोरीन ऑक्सीजन आइडेंटिकल बॉन्ड। तो कई लोग आंसर इसमें लिखते हैं कि आइडेंटिकल ये और ये आइडेंटिकल है, ये और ये आइडेंटिकल है, गलत। करेक्ट आंसर है कि थ्री, ऑल थ्री आइडेंटिकल है, कि आपको देखने में ऐसा लगेगा, देखने में ऐसा लग रहा है, बट इसका जो रियल फिगर है, जो ओरिजिनल फिगर इसका रियल फिगर है, वो फिगर ऐसा है, ये है क्लोरीन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन लेना है और यहाँ ऑक्सीजन लेना है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऐसे देना है और ये ऐसे डिलोकलाइज करते हुए, ये इसका रियल फिगर जो होता है वो ये है, ऐसा फिगर है रियल फिगर, जो कि टू, कई लोग टू लिख के आते हैं जबकि टू गलत है, टू नहीं बल्कि ये थ्री होगा। सारा बॉन्ड आइडेंटिकल है क्योंकि ये आप ऐसे देख रहे हैं, बट इसका ओरिजिनल फिगर ये होता है क्योंकि ये तीन बार रेजोनेंस करते हुए फाइनल फिगर ऐसे बनाएगा, और जब फाइनल फिगर इस तरह से आपको बनाएगा तो सारा बॉन्ड आइडेंटिकल है और कोई भी बॉन्ड में क्लोरीन ऑक्सीजन जो बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर वो अभी आपने बनाया 1.67, सब आइडेंटिकल है। इसको देख के लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ये और ये आइडेंटिकल है, ये डिफरेंट है, ये डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड, जबकि सही आंसर है सारा आइडेंटिकल बॉन्ड है। तो ये जो फिगर समझ रहे हैं उसमें आपको ये सब चीज़ें भी पूछा जाता है आपसे। समझिए, 6 7, जैसे डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन,
एग्जाम बस इतना ही छोड़ता है, जैसे आईटी का क्वेश्चन बोलता है डाइक्रोमेट है, तो डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट से लिया हुआ है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट्स में पोटेशियम हटा दीजिएगा, Cr2O7 2-, ये है डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन का बॉन्डिंग कुछ ऐसा होता है कि ये क्रोमियम हुआ और ऑक्सीजन, और ये क्रोमियम हुआ और यहाँ पे आप फिगर बनाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे और डबल बॉन्ड ऐसे, और फिर ऑक्सीजन ऐसे, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे बनाना है, फिर ऑक्सीजन ऐसे बनाना है, और ये आप जानते हैं कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, और आप +6 के हेल्प से फिगर बनाएंगे तो ये आएगा। एग्जाम में सिर्फ ये नेम लिखा रहेगा, बस नेम नेम, बाकी सिंबॉलिक फॉर्म फिगर ये आपको अपने से बनाना है, वो पढ़ते पढ़ते आ जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट पहले पढ़े हुए हम लोग, ये ऑरेंज कलर का होता है, लैब में यूज़ किया जाता है, K2Cr2O7, उसमें से पोटेशियम हटा दीजिए तो डाइक्रोमेट आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़े हुए हैं, +6 है, +6 6 बॉन्डिंग दिख रहा है यहाँ पे क्रोमियम का, तो ये फिगर हो गया। अब फिगर देने के बाद, फिगर भी नहीं बस ऐसे पूछ देगा, नेम दे देगा, फिगर बनाने के बाद पूछा जाता है कि नंबर ऑफ आइडेंटिकल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स, मुझे आइडेंटिकल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स चाहिए, इसमें इसमें कितने आइडेंटिकल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो कई लोग ऐसे लिख के आते हैं कि 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड, कई लोग लिख के आते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 2 3 4, बहुत सारे लोग 4 लिख के आते हैं, एकदम गलत, 4 सही नहीं है। करेक्ट आंसर इसमें है, करेक्ट आंसर जो होगा वो आंसर है 6 6, करेक्ट 6 करेक्ट। कई लोग बोलते हैं 8, सब सब आइडेंटिकल है, नहीं 6 करेक्ट है। आप ध्यान से देखेंगे, आप देखिए ध्यान से, ये इस साइड को, इस साइड को आप सिर्फ ध्यान से देखिए, ये देखिए, तो जैसे ये इस फिगर को देखिए ध्यान से, इस फिगर को देखेंगे ध्यान से, तो ये Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O O माइनस, देखिए ध्यान से यही है, इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। आप जानते हैं कि तीनों बॉन्ड आइडेंटिकल है, अभी आपने पढ़ा कि तीनों बॉन्ड आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली वहां से देखें आप, क्रोमियम डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और ओ माइनस, ये तीनों बॉन्ड आइडेंटिकल है, ये तीनों आइडेंटिकल है। जैसे ये फिगर देख रहे हैं, जैसे आपने 6 नंबर पे पढ़ा है, जो आपने फिगर जो यहां आपने देखा एग्जैक्टली सेम, देखिए यहां पे आप देखें, यहां पे Cl O डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, तीनों बॉन्ड आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है। Cr डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O माइनस, तीनों बॉन्ड आइडेंटिकल है, और तीनों बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा 1.67। तो इसके रेफरेंस से आप हेल्प लेंगे तो वहां पे 6। कई लोग पूछते हैं कि सर रेजोनेंस बीच में क्यों नहीं गया, तो बीच में रेजोनेंस नहीं जाता है, रेजोनेंस सिर्फ टर्मिनल एटम में, जो किनारे किनारे एटम है ना वहीं पे घूमेगा, बीच में नहीं जाता है। रेजोनेंस जस्ट डिलोकलाइजेशन ओनली फॉर टर्मिनल एटम, वो टर्मिनल किनारे किनारे, जैसे टर्मिनल ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये ये ये, बीच में कभी रेजोनेंस नहीं जाता है। ठीक है, तो फाइनल फिगर जो आप इसी का हेल्प लेंगे, इसके हेल्प से, तो ये ऐसा मिलेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्रोमियम, ऑक्सीजन 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 ऐसे। अब यहाँ पे देखेंगे ये डिलोकलाइज करेगा, डिलोकलाइज कर करके ऐसे, मैं पाई को डॉट बना रहा हूँ, यहाँ डॉट बना दिया मैंने, यहाँ डॉट ऐसे दे दिया, इसके ऊपर यहाँ पे लेफ्ट साइड एक नेगेटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव है, एक नेगेटिव, एग्जैक्टली सेम डॉट यहाँ पे, डॉट ऐसे यहाँ पे, डॉट यहाँ पे, इस साइड करेंगे तो एक नेगेटिव इस साइड आ गया, तो एक लेफ्ट साइड नेगेटिव, एक राइट साइड नेगेटिव। अब आप चेक कर लेंगे तो आइडेंटिकल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, आइडेंटिकल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, बीच में रेजोनेंस नहीं जाता, बीच में नहीं, हमेशा टर्मिनल एटम पे रेजोनेंस अप्लाई होता है, चेक करिए। तो इसके रेफरेंस से बनाएंगे तो बन जाएगा। आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, कितने आइडेंटिकल क्रोमियम ऑक्सीजन, तो लोग कई लोग 4 लिख के आया था, 4 नहीं 6 है, देखने में 4 तो लगेगा, देखने में लगेगा कि 1 2 3 4 या 1 2 3 4 डबल बॉन्ड लगेगा, बट है थोड़ा डबल बॉन्ड नहीं, आपको साइंस को समझना है तो तीनों बॉन्ड आइडेंटिकल है। तो ये है आपका रेजोनेंस, तो यहां लिख लेंगे कि रेजोनेंस नॉट अप्लीकेबल फॉर, या अप्लीकेबल ओनली फॉर टर्मिनल एटम्स।
इन टर्मिनल एटम इन आयंस या मॉलिक्यूल जैसे बीच वाला एटम जो है ना नॉट यूज इन रेजोनेंस लिख लीजिएगा, ये ऑक्सीजन जो है नॉन टर्मिनल ऑक्सीजन ये नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस क्योंकि डिलोकलाइज घूमना होता है तो वो किनारे किनारे ऐसे घूमेगा ये इधर ऐसे घूमेगा, तो टोटल हो गया सिक्स हो गया 7 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट करते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। सो 6 7 8 SO2 ये है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का जो फिगर आप बनाएंगे तो फिगर ऐसे बना देंगे S डबल बॉन्ड O और O ऐसे बनाते हैं और ये रेजोनेंस बनाएंगे तो 2 रेजोनेंस दिखाएगा और यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं फिगर बना दे रहा हूँ आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। सो यहाँ पे आप ओवरऑल 2 रेजोनेंस हुआ और फाइनल जो है वो डॉट डॉट कर लीजिएगा ऐसे डॉट डॉट आधा लेफ्ट साइड आधा राइट साइड बॉन्ड ऑर्डर 1.5 ये है। थोड़ा फास्ट करेंगे, ऐसे सब पढ़ा हुआ है कि यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp2 सेफ हो जाएगा एंगुलर, आप करके देख लीजिए। बट कई बार इसके बाद ऑफिस में आते हैं लोग बोलते हैं सर यहाँ तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो मैं पूछता हूँ कैसे, तो बोल देंगे सर यहाँ तो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का तो 4 हो गया तो इसका मतलब सल्फर तो 4 बॉन्ड बनाएगा और आपने तो 3 ही बॉन्ड बना दिया है, यहाँ पे सल्फर तो 4 बॉन्ड बनाता है तो यस 4 बॉन्ड बनाता है। ये सल्फर का जो मॉडर्न फिगर ऐसा है, ये मॉडर्न जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो मैं आगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर में बता दूंगा, ये न्यू फिगर है न्यू बॉन्डिंग इन SO2। तो ये नया बॉन्डिंग है SO2 का, ये मॉडर्न बॉन्डिंग चलता है ऐसे एंगुलर रहेगा एक लोन पेयर के साथ। बट जो MOT है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो ओल्ड कॉन्सेप्ट पे चलता है, वो जो पुराना जो फिगर है ना उसी के ऊपर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, जैसे O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 ठीक है। तो ये है ठीक है वो नया है बट इस कंपेयर इसी से करना है, मॉडर्न जो ओल्ड बॉन्डिंग है ना ये उसी से आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्यों नया बॉन्डिंग ओल्ड बॉन्डिंग है वो मैं समझा दूंगा आगे आपको जब स्ट्रक्चर में डिस्कस करूंगा। न्यू बॉन्डिंग है वो डिपेंड करता है वैलेंसी के ऊपर, ओल्ड बॉन्डिंग चलता है ऑक्टेट रूल पे 8 इलेक्ट्रॉन वाला रूल पे चलता है, तो ये ओल्ड बॉन्डिंग है इसके अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा। इसी तरह SO3 कर सकते हैं, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड कर लीजिएगा, इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा, प्लेनर ट्रायंगुलर है। degree वाला है ये, परफेक्ट एकदम परफेक्ट मिलेगा आपको। सो इसका ड्राइंग करेंगे तो S डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड S चलता ये, यहाँ से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, यहाँ इस फिगर को देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आ जाएगा। यह ओल्ड फिगर है, ओल्ड फिगर से बॉन्डिंग मैं दिखा रहा हूँ, जबकि अगर मॉडर्न फिगर पढ़ेंगे तो मॉडर्न फिगर में ये +6 आ जाएगा, तो मॉडर्न फिगर में +6 का मतलब 6 बॉन्ड का मतलब ऐसा हो जाएगा, ये न्यू फिगर है। बट न्यू फिगर से अगर आप बनाएंगे बॉन्डिंग, मान लीजिए न्यू फिगर से आप बना लेंगे, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, वहाँ भी देखेंगे तो वहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, तो दोनों में आप कंपेयर नहीं कर पाइएगा, दोनों में मान लीजिए रिएक्टिविटी लेंथ स्टेबिलिटी कंपेयर करना होगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो आप कंपेयर करेंगे तो नहीं हो पाएगा ठीक है। तो इसलिए आपको पुराना बॉन्डिंग जो है पुराना ऑक्टेट रूल का जो बॉन्डिंग है उसी से फॉलो करना है।
तो यहाँ पे लिख लेंगे, जरूरत पड़ेगा इसका तो मैं बात आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में कि न्यू जो मॉडर्न बॉन्डिंग है इन SO3, सो बेस्ट ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द वैलेंसी, ये है ऑक्टेट वाला बॉन्डिंग। इसको फॉलो करेंगे तो 1.33, टोटल बॉन्ड है 4 डिवाइड बाय सिग्मा 3। नेक्स्ट, छोटे छोटे एग्जाम्पल भी काफी यूज होता है आपका। 9, 10 NO2-, इसको नाइट्राइट आयन बोलते हैं, छोड़ के देख लीजिए। इसमें एड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो ये है 5 और 12 प्लस 1, 18 टू बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। इस तरह आपका हाइब्रिडेशन हो गया SP2 और सेप हो गया एंगुलर। ऐसे सो ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग करने पे ये आता है NO2, ये ऐसे फिगर आएगा। यहां तो सेटिस्फाई भी कर रहा है, आप चेक करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का +3 आएगा, तो 3 बॉन्ड आ रहा है यहाँ, तो ठीक है ये बन जाएगा आपका। और इस तरह आप फिगर देखने के बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1.5 डायरेक्ट बना सकते हैं। सो 2 रेजोनेंस है, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। नाइट्रेट, NO3-, ये नाइट्रेट आयन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लीजिए 24 वो 8 से डिवाइड कर देंगे, 3 बॉन्ड पेयर, SP2 प्लेनर ट्रेंगुलर एग्जैक्टली 120 डिग्री। और अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे या आप फिगर बनाएंगे तो फिगर ऐसे बनता है। इसका जो फिगर है ऑक्टेट रूल पे फिगर ये बनेगा, ये है नाइट्रेट आयन का फिगर। और अगर आप फिगर आपने बना लिया सो इस रूल के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर करेंगे तो 1.33, टोटल हो गया 4 डिवाइड बाय सिग्मा कर सकते हैं 3, 1.33। ये सब जरूरत पड़ेगा आपको क्वेश्चन बनाते समय। नेक्स्ट, बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन होता है HCO3-, ऐसे बाइकार्बोनेट आयन। मैं फिगर बना रहा हूँ, फिगर ऐसे बनता है इसका, एच ओ और सी डबल बॉन्ड ओ और ओ माइनस, ये है बाइकार्बोनेट आयन, ये बाइकार्बोनेट आयन। सो ये यूज नहीं होगा, ये रेजोनेंस में नहीं यूज होगा, रेजोनेंस में इसको नहीं यूज करना है, रेजोनेंस में सिर्फ ये, क्योंकि ये टर्मिनल मैंने बोला था, रेजोनेंस में टर्मिनल जो फ्री है एटम वही पार्टिसिपेट करते हैं, तो ओनली टू रेजोनेंस ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ चला जाएगा ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड, ऐसे ऐसे ओनली टू रेजोनेंस, ठीक है। सो बाइकार्बोनेट आयन में ओनली टू रेजोनेंस। सो ओनली टू रेजोनेंस, एस डिलोकलाइज करना है, ओनली टू रेजोनेंस। ये नहीं यूज होता है, आपको मैंने बताया था कि ये टर्मिनल नहीं है, ये टर्मिनल का मतलब फ्री होना चाहिए, ये बॉन्डेड हो गया, सो नॉट यूज इन रेजोनेंस। क्योंकि टर्मिनल नहीं है, टर्मिनल एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में, ये तो बीच में आ गया, तो नॉट यूज इन रेजोनेंस, तो ओनली टू रेजोनेंस। फाइनली ओवरऑल जब आप बनाएंगे ओवरऑल, तो ऐसा हुआ एच हुआ, ओ हुआ और सी हुआ, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ डॉट डॉट करना है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, यहाँ डॉट 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 ऐसे करना है, यहाँ पे इसके बॉडी पे आ जाएगा 1 माइनस चार्ज,
ऐसा। सो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 1.5, ये है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर। ये है 1.5, 1.5, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है वो डिलोकलाइज किया, ये सिग्मा सिग्मा दोनों में फिक्स है, सिग्मा सिग्मा फिक्स है, पाई पाई 50% ऊपर 50% नीचे, तो पाई डिलोकलाइज कर रहा है आधा ऊपर आधा नीचे, तो ये हुआ 1.5। नेक्स्ट, फॉर्मेट आयन ऑर्गेनिक में आता है फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड का आयन जो होता है फॉर्मेट आयन, फॉर्मेट आयन जो होता है वो एच सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, एच सी डबल बॉन्ड ओ माइनस ऐसा होता है, टू रेजोनेंस, टू रेजोनेंस ये सो करेगा। ये सिर्फ ये सिमिलर एटम है, सिमिलर एटम, ये डिसिमिलर है इसमें नहीं होता, सिर्फ सिमिलर एटम है, ये ऑक्सीजन ऊपर गया, यहाँ पाई बॉन्ड नीचे आया, निगेटिव चार्ज ऊपर गया, तो ओनली टू रेजोनेंस। सो इस साइड आपको निगेटिव रहेगा, डॉट 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 ऐसे डॉट और डॉट 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 ऐसे कर दें। सो इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5। ये फॉर्मिक एसिड, इसी का फॉर्मिक एसिड लीजिएगा, सो फॉर्मिक एसिड, सो ऑर्गेनिक एसिड है फॉर्मिक एसिड, जो लाल कलर की चींटी होती है उसकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड होता है, उसी के नाम से पड़ा हुआ, उसको फॉर्मा बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम फॉर्मा होता है, उसी के बॉडी में जो एसिड मिलता है वो फॉर्मिक एसिड, एच सी ओ ओ एच एस है, इसको आप पूरा ब्रेक कर देंगे तो एच हुआ सी डबल बॉन्ड ओ और फिर ओ एच, ये फॉर्मिक एसिड, ऐसा फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है। सो इसमें रेजोनेंस नहीं आएगा, इसमें रेजोनेंस नहीं होता, रेजोनेंस जब फ्री रहता है एटम, जैसे ये है फ्री है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऊपर चला गया, डबल बॉन्ड नीचे आ गया, यहाँ सारे एटम जस्ट लॉक है। अब को लोग बोलते हैं इसमें इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं, तो सिमिलर एटम होता है ना, रेजोनेंस में सिमिलर एटम में होना चाहिए, ये तो डिसिमिलर हो गया, तो यहाँ इस कार्बन ऑक्सीजन का, इस कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ वन, इस कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर टू, इट्स नॉट सो रेजोनेंस, फॉर्मिक एसिड नॉट सो रेजोनेंस। टू डिफरेंट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन तो अलग अलग बॉन्ड है। सो क्वेश्चन था विच कंटेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड
टू डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। सी ओ टू तो नहीं है, सी ओ टू में आप जानते हैं कि सी ओ टू में दोनों बॉन्ड जो भी है वो आइडेंटिकल है, दोनों बॉन्ड आइडेंटिकल है, ये तो नहीं है आपका। कई लोग कार्बोनेट आयन बोलते हैं, तो कार्बोनेट आयन आप बताइए, कार्बोनेट में कार्बोनेट के लिए फिगर आप जानते हैं कि ये ऐसा है और ये ऐसा है। देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल ये लग रहा है टू डिफरेंट है, बट रियल फिगर अगर आप सही से समझें साइंस को तो यहाँ पे एक्चुअली सारा बॉन्ड आइडेंटिकल है। तो सही से आप समझिएगा तो सारे बॉन्ड जो हैं वो आइडेंटिकल। आप सही से देखिए तो सारा बॉन्ड आइडेंटिकल है, ये नहीं है आपका आंसर। और इन दोनों में तो अभी पढ़े हैं, अभी तो बोर्ड पे है भी कि फॉर्मिक एसिड नॉट सो रेजोनेंस, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ये डिफरेंट डबल बॉन्ड है, दोनों अलग अलग है। तो आंसर जो हो जाएगा वो डी, सामने बोर्ड पे है। और ये इसका भी पढ़ना हो एच सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे ये फॉर्मेट आयन, तो मैंने बताया था कि एक्चुअली ये जो फिगर बनाएंगे वो दोनों बॉन्ड आइडेंटिकल है, दोनों बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है और आइडेंटिकल बॉन्ड ऐसा हो गया, दोनों आइडेंटिकल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, तो ये भी आंसर नहीं है। इसमें दोनों डिफरेंट है, देखिए यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, दोनों डिफरेंट है। 16 बेंजीन, बेंजीन आप फिगर ऐसे जानते हैं C6H6, ये है बेंजीन, ये बेंजीन हुआ ऐसे। सो बेंजीन आप सब लोग जानते हैं कि C6 और H6 ये बेंजीन हुआ। इसमें रेजोनेंस डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे बहुत कॉमन फिगर है, क्योंकि रेजोनेंस का स्टार्टिंग ही बेंजीन से हुआ था, ऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे। तो बेंजीन में जब आप इसको डिलोकलाइज करेंगे तो डिलोकलाइज करने पे ये फिगर ऐसे आ जाएगा, इस तरह से फिगर आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, पाई बॉन्ड यहाँ आ गया और पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ऐसे डिलोकलाइज किए। ओवरऑल बेंजीन जब आप बनाते हैं तो ओवरऑल बेंजीन को आप जब ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे रिंग से प्रेजेंट करते हैं, रिंग से ऐसे बनाते हैं, बोलते हैं ये है बेंजीन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चाहिए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन 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 बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड का मुझे बॉन्ड ऑर्डर चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए एकदम आसान सा, यहाँ पे चेक करेंगे, इस जगह पे चेक करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इक्वल टू 1 है, यहाँ चेक करेंगे यहाँ बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इक्वल टू 2 है, और ओवरऑल एवरेज लेंगे ना आप ये और ये डिलोकलाइज करेगा, मिक्स करेगा, तो मिक्स करके ये फिगर बना। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे बनाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन बॉन्ड का ये 1+2/2 कर लेंगे, 3/2 और आंसर हो गया 1.5 ऐसा। सो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज 1.5, ये है बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन बॉन्ड का, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड 1.5 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे भी कई लोग बोलते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का टोटल करके दिखाइए ऐसे फॉर्मूला से, तो कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो ऐसे बनाना है टोटल बाय सिग्मा, टोटल बाय सिग्मा, टोटल बॉन्ड कार्बन कार्बन टोटल बॉन्ड है 9, चेक कर लेंगे कार्बन कार्बन, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कार्बन कार्बन टोटल 9 है, कार्बन कार्बन टोटल 9 और कार्बन कार्बन सिग्मा उसमें कितना हुआ 6 हो जाएगा 1.5, तो उससे फॉर्मूला से भी बनाएंगे तो वही आएगा। आगे नेक्स्ट,
करिए प्लान करिए तो उसमें विच सो रेजनस करिए प्लानिंग। आपने प्लानिंग किया विच सो रेजनस फिगर सबका पता है पढ़ा हुआ है सब चीज ठीक है। आप डिफिनेशन में आज क्या आपने पढ़ा था कि रेजोनेंस रेजोनेंस क्या है? तो आपने एक लाइन में बोला था रेजोनेंस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड तो ये आपने रेजोनेंस को डिफाइन किया था कि रेजोनेंस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड घूमता है ठीक है तो रेजोनेंस के लिए मस्ट कंटेंट पाई बॉन्ड फॉर रेजोनेंस। इसका मतलब आपने ये बताया कि फॉर रेजोनेंस कंपाउंड और आयन मस्ट कंटेंट पाई बॉन्ड एकदम जरूरी है। रेजोनेंस का मतलब हो जाता है कि पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होता है तो रेजोनेंस सो वही करेगा जिसके पास जो हो पाई बॉन्ड। और फिगर सबका जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन शेप ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल सबका पढ़ा हुआ है। सी एच फोर पढ़ेंगे तो सी एच फोर आप पढ़े हुए हैं। सी एच फोर ऐसा फिगर है सबके कॉपी में है। सी एच फोर कई बार आपका लिखा हुआ सी एच फोर। एन एच थ्री पिरामिडल कई बार आपके कॉपी में लिखा हुआ है। NH3 ऐसा हो गया सारा फिगर पढ़ा हुआ। BF3 SP2 प्लेनर ट्रायंगुलर CF4 फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन ये है। किसी के पास तो पाई बॉन्ड आया ही नहीं सारा पढ़ा हुआ। ये ID क्वेश्चन है IT मेन में भी आया हुआ है अलग टाइप से प्रेजेंटेशन है अलग अलग एग्जाम में। विच सो रेजोनेंस सबसे सिंपल रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल और आयन मस्ट कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन। किसी के पास नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं है। डिफरेंट क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा आगे भी आएगा कई बार आएगा आपको डिफरेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ये BF3 सो रेजोनेंस। क्वेश्चन है कि कहाँ है इसमें पाई बॉन्ड रेजोनेंस कंपाउंड मस्ट कंटेंट पाई बॉन्ड कहाँ पाई बॉन्ड है पाई बॉन्ड उसमें छुपा हुआ है दिखेगा नहीं आपको नहीं दिखेगा छुपा हुआ ठीक है हिडन है वो पाई बॉन्ड वो सबको नहीं दिखता। वो ये बड़ा रेयर क्वेश्चन है डिफरेंट क्वेश्चन है और बट आएगा कई बार ये मैं आपको बताता हूँ कई बार आता है साइंस में जो डिफरेंट है यूनिक टाइप का है एक्सेप्शनल टाइप का है वो आता कई बार है आपको। क्वेश्चन है कि कैसे हम लोग मान लें उसमें कि पाई बॉन्ड है और दूसरे में और में क्यों नहीं है मैं समझा देता हूँ। 9th क्लास केमिकल बॉन्डिंग ये है बोरन यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है यहाँ से फ्लोरीन इसके पास 1 2 3 4 5 6 एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ ऐसे फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। देखिए ऑक्टेट रूल कंप्लीट यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है बट इस फ्लोरीन के ऊपर ऑलरेडी 3 लोन पेयर होते हैं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। फ्लोरीन देखिए यहाँ पे 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट कंप्लीट 3 ऑक्टेट कंप्लीट है। नेक्स्ट जब आप यहां पे देखेंगे इस जगह बोरन के पास जाएंगे तो बोरन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। बोरन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ। स्टेबिलिटी बॉन्डिंग के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 2 4 6 2 8 ये ब्लैक सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है
ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, बट बोरन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, आप चेक करेंगे फोर बोरन, यहां बोरन में आप चेक कर लेंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो सिक्स है, सिक्स एक डिफिशेंट हो। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेस स्टेबल, इसको हम लोग बोलते हैं डिफिशेंट जो लोग हैं वो लेस स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है नहीं। ठीक है, ये बोरन में अगर आप चेक करेंगे फोर बोरन जो ऑक्टेट देखेंगे, यहाँ पे एट ही इलेक्ट्रॉन है, सिक्स इलेक्ट्रॉन है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी सब फुलफिल है, ये एक डिफिशेंट हुआ, उसको कम है, दो इलेक्ट्रॉन कम है, डिफिशेंट है। ठीक है, बाकी और आपको चेक करना तो देख लीजिएगा, इसमें एट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, यहाँ लोन पेयर होने के चलते एट कंप्लीट है, उसका भी एट कंप्लीट है। ठीक है, बट अभी भी पाई बॉन्ड मुझे दिख नहीं रहा है कि पाई बॉन्ड कहाँ से आ गया, आता है पाई बॉन्ड, वेट करिए प्लीज। ये डिफरेंट है, एकदम अलग टाइप का है, बट सीख के आप इसको समझा जा सकता है और आगे आएगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे पीरियोडिक टेबल का सेकंड पीरियड, पीरियोडिक टेबल में जब आप पढ़ते हैं सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड में है लिथियम, बेरियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन, ऐसे देखेंगे। ध्यान से देखेंगे तो बोरन और यहां पे क्या है फ्लोरीन, ये दोनों छोटे छोटे एटम है, स्मॉल साइज एटम्स इन सेम पीरियड, दोनों एक ही पीरियड में, स्मॉल साइज एटम इन सेम पीरियड, मतलब आप बोल सकते हैं कि एक ही फ्लोर पर रहते हैं, इनका घर जो है बोरन का घर फ्लोरीन का घर दोनों का घर एक ही फ्लोर पे है, अगल बगल है, बोरन और फ्लोरीन एक ही फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड फ्लोर है उस पे दोनों रहते हैं, और एक फ्लोर पे जितने लोग रहते हैं सब दोस्त होते हैं, कोई भी अपार्टमेंट में एक फ्लोर पे जितने लोग अगल बगल जो नेबर हैं सब दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, तो वही चीज़ इसमें भी है, बोरन फ्लोरीन स्मॉल साइज एटम ऑन द सेकेंड फ्लोर, सेम फ्लोर छोटे छोटे एटम, गुड फ्रेंड। नेक्स्ट बॉन्डिंग कैसा है, तो ये फ्लोरीन है, यहाँ बोरन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ऐसा ये बॉन्ड। बोरन कैसा है, तो बोरन जो है वो डिफिशेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है, टू इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट, छः सिक्स है इसके पास, स्टेबिलिटी के लिए एट चाहिए होता, ये डिफिशेंट है। इसका दोस्त, इसका पड़ोसी, बोरन का पड़ोस में रहने वाला दोस्त, उसी फ्लोर पे रहने वाला दोस्त, वो दोस्त कैसा है, तो दोस्त काफ़ी रिच है, काफ़ी रिच है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे, तो दोस्त है, एक ही फ्लोर पे रहता है, एक डिफिशेंट है, एक रिच है, तो जो रिच वाला फ्रेंड है वो डिफिशेंट फ्रेंड को मदद करेगा, हेल्प करेगा, वो बोलेगा, बोलेगा कि आपको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये बोलेगा मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बन जाएगा साइंस का, ये बनेगा डोनर, बोलेगा रुको मैं आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हूँ, डोनर, और ये बनेगा साइंस का एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, और इसलिए कि ये दोनों फ्रेंड है, और ये अपना दो दो इलेक्ट्रॉन उठा के ऐसे डोनेट कर, रुकिए डोनेट पूरा मत कर दीजिएगा, डोनेट कर दीजिएगा तो फिर इसके अगर बोलेगा कि हाँ इसको पूरा दे दीजिएगा, पूरा दे दीजिएगा तो उसको कम हो जाएगा ना, डोनेट नहीं करना है, आगे आपको पढ़ना है बॉन्डिंग के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड करना है, मतलब ये डोनर है एक्सेप्टर है, ऐसे एरो बनाइएगा, एरो बना के थोड़ा सा कट करिएगा, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड या एक टाइप का बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्यों हो रहा है वो चीज़ें आप समझ सकते हैं कि, और सब किसी एग्जाम्पल में नहीं था, BF3 एक रेयर एग्जाम्पल है जिसका बॉन्डिंग से अलग, उससे अलग कई चीज़ें इसके अंदर में छुपा हुआ है,
BF3, आप BF3 सिर्फ बोरन और तीन फ्लोरीन बनाते हैं, वो तो सिंपल फिगर है, बट उसके अंदर जब जाके देखिएगा तो पता चला कि ये डिफिशेंट है और इसका दोस्त जो कि उसी के फ्लोर पे रहता है, उसी का नेबरर है, छोटा छोटा एटम है और उसका दोस्त रिच है। तो जो रिच फ्रेंड है फट से अपना एक पेयर उठाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर जाएगा, हमेशा के लिए नहीं डोनेट करेगा, डोनेट करेगा बट शेयरिंग भी रखता है, वो हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। इस बॉन्ड को हम लोग साइंस में बोलते हैं सेकेंड पीरियड का है, तो 2P, ये 2P सेकेंड पीरियड ये है और ये 2P, P4P ऑर्बिटल 2P, ये भी सेकेंड पीरियड का है, 2P, 2P पाई और 2P पाई ऐसे बोलते हैं, पाई बैक बॉन्ड बोलते हैं, ये बैक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अब से आप मॉडर्न जो थोड़ा केमिस्ट्री है या आप थोड़ा सा सही से इसको समझेंगे, तो जो BF3, जनरली BF3 सब लोग यही जानते हैं, जनरली BF3 के बारे में 99% लोग बस यही जानते हैं कि BF3 ऐसा होता है, बट आपको साइंस का और डिटेल में पढ़ना होगा, तो और डिटेल में पढ़िएगा तो पता चला कि BF3 ऐसा न होकर के बल्कि रियल फिगर BF3 ऐसा होगी। यहां से फ्लोरीन इसको उसका दोस्त है वो उसको डोनेट कर देगा और डोनेट करेगा तो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड जो आ गया वो पाई बॉन्ड हुआ, जैसे ही पाई बॉन्ड हुआ डीलोकलाइज कर जाएगा, डीलोकलाइज करते ही सो रेजोनेंस। तो रियल फिगर साइंस का ये है, 99% BF3 को ये लोग ऐसे जानते हैं, बट जब आप इसके अंदर इंटरनल बॉन्डिंग जाइएगा तो पता चला कि ये डिफिशेंट है, इसका दोस्त रिच है, दोनों बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, एक ही फ्लोर पर रहते हैं, तो फट से अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा और एक नया बैक बॉन्ड बन गया। ये चीज़ें 4 से 5 बार आगे भी आएगा, रिपीट करेगा, बट समझते रहिए, आप समझते जाइएगा आगे और इजी आपको लगेगा। सो ये है फिगर, रियल फिगर, सो रेजोनेंस। तो ये है BF3 जो रेजोनेंस शो करता है, और रेजोनेंस शो करेगा तो यहां से क्वेश्चन आया है कि BF3 का बॉन्ड ऑर्डर, अगर ये रेजोनेंस शो करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, कर लीजिए 1.33। सो 3 रेजोनेंस, कैसे 3 रेजोनेंस होगा दिखा दीजिए, उसमें है क्या, आप तो इतना रेजोनेंस पढ़ चुके हैं। ऐसे 3 रेजोनेंस तो करेगा, रेजोनेंस ये ऐसे शो करेगा, एक बार रेजोनेंस यहाँ से ऐसे शो हो गया, रेजोनेंस दोबारा रेजोनेंस से ये ऐसे शो करेगा, थर्ड टाइम रेजोनेंस ऐसे शो करेगा, 3 रेजोनेंस, ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर करेंगे तो 1.33। तो इसको डॉट 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 ऐसे बना लेंगे, सो आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, टोटल बॉन्ड बाय सिग्मा बॉन्ड 4 बाय 3 1.33, सो बोरन फ्लोरीन बॉन्ड ऑर्डर। सो 4 बाय 3 या डायरेक्ट 1.33 कर सकते हैं, बहुत फेमस है आपका BF3, डिफरेंट टाइप का फिगर बट आएगा 3 बार 4 बार या 5 बार भी आएगा BF3। इससे कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है कि मेरे पास अगर CF4 है, अगर CF4 है और BF3 है, ऐसा पूछा जाता है। सो फिगर लिख देता है पेपर में कि ऐसा फिगर है, इस तरह से फिगर है, CF4 और ऐसे। तो CF4 में तो कोई रेजोनेंस होगा नहीं, बट BF3 अगर आप BF3 आप पढ़ चुके हैं ऐसे, तो मान लीजिए फिगर भी बना रहा था, इस टाइप से फिगर बना रहेगा, ठीक है। तो पूछता है कि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड ऑर्डर, मान लीजिए ये कार्बन फ्लोरीन, और अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पूछता है तो यहाँ आपको आंसर करना है 1, नो रेजोनेंस,
बट जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इस फिगर में बोरन फ्लोरीन बॉन्ड ऑर्डर, तो आपको आंसर 1 नहीं करना है, 1.33। क्यों लिखना है? उसका रीजन सामने है, हिडन है, ये हिडन दिख नहीं रहा है, बट एक पाई बॉन्ड है, छुपा हुआ है उसमें। क्यों छुपा हुआ है, उस सब कुछ मैं आपको समझा दिया, ठीक है? तो आप बताइएगा कि ये बॉन्ड जो होगा, ये जिसका बॉन्ड ऑर्डर ऐसे ऐसे बताइए ना, ये पेन बॉन्ड ऑर्डर 1, दो पेन बॉन्ड ऑर्डर 2, तीन पेन बॉन्ड ऑर्डर 3, कौन स्ट्रॉन्गर? तोड़ना है तीनों को लेकर, ऐसे तीनों को तोड़ना है, स्ट्रॉन्गर हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऐसे तीनों को तोड़ना है। तीन पेन तोड़ना टफ है, एक पेन तोड़ना आसान है, ऐसे तोड़िएगा टूट जाएगा, ठीक है? बट तीन पेन तोड़ना टफ है। तो आपने से रिलेट कीजिए ना, पूछा जाता है पेपर में कि कौन स्ट्रॉन्गर कौन वीकर है, तो आप रिलेट कर लीजिए ना उसमें, क्या समझाना है। साइंस में हर चीज़ थोड़ा ना लिखा जाता है, इमेजिन करके बनाया कीजिए, ठीक है? बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, या बॉन्ड एनर्जी, या BDE, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। BDE का मतलब बॉन्ड, डी फॉर डिसोसिएशन, ई फॉर एनर्जी। जो भी चारों टर्म है वो प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज़्यादा बॉन्ड आप, अभी आपके तीन तीन बॉन्ड है, तीन तीन बॉन्ड है, तीन पेन हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो पूछता है इन दोनों में, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33, देखने में तो एक ही लग रहा है, बट ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर हो गया। सो BF3 CF4। आज का लेक्चर यही है, मेरा बॉन्ड ऑर्डर 100% फाइनल। डायटोमिक के लिए, पोलियोटोमिक के लिए प्लीज आप नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करें और खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन आने वाला है, और बहुत सारा क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट क्लास।